सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो के साथ। सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे कुछ फेवरेट स्केचेस। मैं पिछले काफ़ी दिनों से मतलब काफ़ी एकदम बहुत ज़्यादा ड्राइंग करता था, एकदम ड्राइंग लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था। और ऐसे में दिन रात मैं सिर्फ ड्राइंग ही करता था। और ऐसे में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस हो गए हैं अभी ड्राइंग के, तो उन्हीं में से जो बेस्ट 12 ड्राइंग्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और सो गाइज़ मुझे तो वो ड्राइंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि मैंने खुद बनाया था, तो मेरे हार्ट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं वो ड्राइंग्स। सो गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी और आई होप कि आपको भी वो ड्राइंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। सो गाइज आई होप कि आपको भी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर प्लीज़ अगर ड्राइंग अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर लाइक नहीं करोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी सच सच में लिटरली अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ऐसे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज ही SST का पेपर था और परसों को फिर हिंदी का। सो गाइज ऐसे में मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो एक लाइक तो कर ही सकते हो, मोटिवेशन मिलता है यार। सो गाइस अब भाषणबाजी बंद और देखते हैं अपनी ड्राइंग। सो गाइस सबसे पहला जो स्केच है वो है विराट कोहली का स्केच, जो कि मैंने जब ड्राइंग स्टार्ट किया था उसके एक दो महीने बाद बनाया था। और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें शेडिंग काफ़ी अच्छे से हो पाई थी और ये बॉर्डर भी काफ़ी अच्छा लगा था। इससे क्या है कि आपके जो आर्ट वर्क्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लीन लुक आता है, वो अच्छा लग रहा है बॉर्डर। तो नेक्स्ट है कैरी मिनाटी का स्केच, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था और इसके हेयर्स काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पाए थे और ये बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बैकग्राउंड में मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया था। और ये है कैप्टन विक्रम बात्रा का स्केच, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले ही बनाया था और इसके भी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पाए थे, हेयर्स काफ़ी अच्छे से हो पाए थे और इसकी फ़ोटो की जो क्वालिटी थी काफ़ी मतलब काफ़ी लो क्वालिटी की फ़ोटो थी, इसी वजह से उतना मतलब अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन काफ़ी अच्छा ये काफ़ी अच्छा लगा था। और ये है रशि खन्ना का स्केच, ये भी काफ़ी अच्छा लगा था, इसमें शेडिंग काफ़ी अच्छे से हो पाई थी। और ये है मेरे फेवरेट यूट्यूबर का स्केच, ट्रिगर्ड इंसान का स्केच, जिसमें ये मैंने इसमें मतलब पूरा एफर्ट लगा दिया था, इसमें मैंने शेडिंग काफ़ी अच्छे से हो पाई थी और ये हेयर्स भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉ पाए थे और क्लोथ्स वगैरह भी सारे, तो देख लो कुछ ऐसा है। और ये है सॉरी मैं इनका नाम भूल गया, याद नहीं आ रहा एक्चुअली। ये मैंने सौरभ जोशी आर्ट्स से मैंने ये इंस्पायर होकर बनाया था और इसमें काफ़ी अच्छे से शेडिंग हो पाई थी और ये फेस का टेक्सचर काफ़ी अच्छे से आपको दिख रहा होगा, काफ़ी मस्त एकदम रियलिस्टिक लग रहा होगा, भले ही आपको उसमें नहीं लग रहा होगा वीडियो पे, लेकिन रियल में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब बहुत ही मस्त लगा था, बहुत मस्त ये इफेक्ट जो आया था ना शेडो की वजह से वो काफ़ी मस्त लग रहा था। और ये मेरा फेवरेट स्केच, सबसे फेवरेट स्केच, ये मेरा हाइपर रियलिस्टिक स्केच है और ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स पहले बनाया था और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग पे फोकस किया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें फेस के टेक्सचर पे ओल्ड मैन के जो रिंकल्स होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा मैंने फोकस किया था और उस पर काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग की थी और बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, हेड्स वगैरह क्लोथ में भी काफ़ी अच्छा और ये डिज़ाइन तो एकदम मज़ा ही आ गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो पाया था। ये मेरा फेवरेट स्केच है, मैं तो इसको हमेशा संभाल के रखूँगा, हमेशा किसी को दूंगा मैं ये स्केच, क्योंकि ये स्केच जो है ना मेरे मतलब दिल के बेहद करीब है, बहुत ही मस्त लगा था ये स्केच। और नेक्स्ट स्केच है ये मेरा रियलिस्टिक आई ड्राइंग, जो कि आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा था लेकिन मुझे तो कुछ खास अच्छा लगा नहीं था, बट इतना कि बाकी ड्राइंग से तो अच्छा था ये काफ़ी था। ये जो आई बॉल था वो काफ़ी मैंने इस पर मतलब डिटेलिंग की थी और काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा होगा आपको। तो हमारा नेक्स्ट स्केच जो है वो है डॉग का, ये मैंने आर्टलाइन की जो पेंसिल्स होती है उसका जो पैकेट होता है ना वो उससे मैंने बनाया था, तो मैंने डिफरेंस ली थी और काफ़ी मस्त रिजल्ट आया था। ये मैंने कंप्लीट ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया था, तो देख सकते हैं आप कि रिज़ल्ट कुछ ऐसा है। और ये स्केच है मेरे भैया भाभी के दोनों बेटों का,
ये स्केच जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि ये मैंने A4 साइज पेपर पे बनाया था, और A4 साइज पेपर में दो फेस बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और ये लेकिन फिर भी इसे काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पाया था मेरे से, और ये बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो गाइस टोटल 10 स्केचेस हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरे जो 2 स्केचेस जो बचे हुए हैं, जो कि मैंने E3 पेपर बनाया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये कुछ स्केचेस हैं, मैं इसको ऐसा रख देता हूँ। सो गाइस ये मेरा जो कमीशन वर्क आया था, बट अभी तक उन्होंने लिया नहीं है, बट ये आपको भले दिख बहुत सिंपल रहा हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था रियल में, और कैमरे पे तो इतने अच्छे से नहीं आता, क्योंकि ग्रेफाइट जो है काफ़ी शाइन करता है, और ये मैंने पूरी कम्प्लीटली ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करके बनाया था, और देख सकते हो डिटेलिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, और क्लोथ्स के जो वो जो मुड़े हुए पार्ट होते हैं उनको बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे, और इसमें मुझे ऑलमोस्ट 5 डेज लगे थे। मैं रेगुलरली 2-3 घंटे इस पर काम कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा दिन लगे थे, और ये बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा था। ये भी मैंने ग्रेफाइट से कम्प्लीट, मैंने सिर्फ पूरा ग्रेफाइट यूज़ किया बस। और ये स्केच मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये भी मैंने मतलब हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा था, बट उतने अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। ये जो पगड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब मस्त सा लुक आ रहा था, और इसमें रिंकल्स भी काफ़ी अच्छे से मतलब ड्रॉ हो पाए थे मेरे, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने वाइटनर यूज़ किया था, क्योंकि मतलब मैंने इसमें टोम्बो मोनो इरेजर भी यूज़ किया था, बट उतना ज़्यादा मतलब वाइट नहीं हो पाया था जैसे कि होना चाहिए था, इसीलिए मैंने इसमें ये वाइटनर यूज़ कर दिया। तो गाइस मेरे पास अभी और ये 2 स्केचेस हैं, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने A3 साइज पेपर पे बनाया था। ये सारी की सारी मैंने आइवरी पेपर पे बनाया, मैंने और कोई भी पेपर ट्राई नहीं किया अभी तक, और अगर मैं ट्राई करता हूँ तो आपको बताऊँगा। तो गाइस ये जो है आइवरी पेपर पे मैंने बनाया था, ये मेरी माँ का स्केच है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा था, और देख सकते हैं आप भी इसमें कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ये स्केच, और कमेंट करके ज़रूर बताना ये माँ का स्केच, इसलिए ये आपको ये वाला स्केच कैसा लगा। और ये जो लास्ट स्केच है रियलिस्टिक स्केच है, वो हमारे यहाँ के खूंटी के जो नेता हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा, तो उनका स्केच है, मैंने बनाया था, और मैंने सोचा था कि मैं उनको गिफ्ट करूँगा, तो होपफुली फ्यूचर में अगर कभी गिफ्ट कर पाया तो अच्छी बात है। सो गाइस अब सारे स्केचेस कंप्लीट हो गए हैं, तो गाइस बस यही कुछ थे मेरे फेवरेट स्केचेस। सो गाइस ये थी मेरी कुछ फेवरेट ड्राइंग्स, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं अपने जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।